वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो चौथा ओडीआई मुकाबला हो रहा है। तीसरा ओडीआई मुकाबला इंग्लैंड जीत लिया है और सीरीज को ऑस्ट्रेलिया के कब्जा में अभी जाने दिया है। पांच मैचों की श्रृंखला में ये रोमांचक बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया चाहे कि ये मैच जीतकर ये श्रृंखला को जीत ले और पांचवें जो वनडे मुकाबला होगा उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने पहले ही एक्सपेरिमेंट कर लिया तीसरे मैच में, उसमें ट्रेविस हेड और एडम जंपा, ये दोनों एक ऐसे प्लेयर हैं जो मैच जिताऊ प्लेयर हैं नो डाउट। उनके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा स्कोर किया था। डकवर्थ लुईस के हिसाब से वो मैच हार गए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि दोनों का प्लेइंग इलेवन में कौन सा चेंजेज होगा। पहले ये बात कर रहे थे किस पिच पर ये मैच है, तो देखिएगा चौथा वनडे जो है लॉर्ड्स का मैदान, लंदन का मैदान पे जहाँ होने वाला है लॉर्ड्स में, तो यहाँ देखा गया है तो ये बैटिंग पिच है, पूर्णतः बैटिंग पिच है। यहाँ का एवरेज स्कोर देखिएगा तो 285 से 295 वनडे में, 285 से 295 अच्छा खासा स्कोर माना जा सकता है। और आज के युग में जो बैटिंग किया जाता है कंडीशन जो है उसमें मान के चलिए कि जो एवरेज स्कोर 285 है समझ के चलिए 325 है, क्योंकि आज के बैटर थोड़ा सा ज़्यादा स्पीडली खेलते हैं। अगर यहाँ देखा जाएगा तो टॉस जीतकर कोई भी टीम बॉलिंग लेना पसंद करती है। बॉलिंग लेने का रीज़न क्या है, बॉलिंग लेने का रीज़न क्या है, स्टार्टिंग में जो है ना लॉर्ड्स पे बॉल हिलती है उसमें विकेट गिरने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब बाद में धीरे धीरे बैटिंग कंडीशन होते जाता है, फिर बाद में सेकंड पाली में पूर्णतः बैटिंग पिच हो जाता है, मान के चला जाता है। इसमें स्पिनर की भूमिका बहुत कम है, स्पिनर आप अपनी टीम में नहीं भी रख सकते हैं तो काम चल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि जब यहाँ जो है बैटिंग के साथ साथ पेस अटैक, मैंने पहले बताया कि स्टार्टिंग के जो पावर प्ले है उसमें विकेट गिरने का चांसेस ज़्यादा है। अगर दोनों टीम की तरफ से बल्लेबाजी क्रम में देखा जाएगा तो इंग्लैंड की तरफ से पीसाल्ट और बेन डकैत ओपनिंग करने के लिए आते हैं। इनका परफॉर्मेंस दोनों का खराब ही है, लेकिन अगर टॉस जीतकर इंग्लैंड पहले गेंदबाजी करती है बाद में इनकी बल्लेबाजी आती है तो इस दोनों में से किसी एक प्लेयर के साथ जाइएगा। अगर पहले इंग्लैंड बल्लेबाजी करती है तो ये दोनों में से कोई नहीं रहेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। विल जैक्स को रखने का रीज़न क्या है डाउटफुल प्लेयर के रूप में, रीज़न क्या है कि विल जैक्स स्पिन का भूमिका करते हैं और मिडिल ओवर में आकर बॉलिंग करते हैं और उसमें विकेट मारने गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है। हैरिक ब्रॉक नो डाउट पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी किया था, कैप्टन पाली खेली थी, सेंचुरी मारा था, इस मैच में भी उन पर दारोमदार रहेगा। जी स्मिथ उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, एक आध मैच में चले हैं लेकिन उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से जी स्मिथ अपनी टीम में जगह नहीं बनाते हुए। लाइम लिविंग स्टोन भी डाउटफुल प्लेयर के रूप में है, रीज़न क्या है कि इनको जो है स्पिन की भूमिका में विकेट नहीं गिरेगा मिलेगा और रन भी थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं मारते जिससे कि वो ड्रीम टीम के हिस्सा में आएंगे। उससे ज़्यादा आपको जे बैथल हमारे ख्याल से डाउटफुल नहीं, ये जे बैथल अपनी टीम में जगह बनाते हुए दिख रहे हैं क्योंकि बॉलिंग प्लस बैटिंग ये थोड़ा बहुत स्कोर करेंगे जिससे कि ये ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। बी केयर्स थोड़ा सा डाउटफुल प्लेयर है। जोफ्रा आर्चर लॉर्ड्स के मैदान पे जोफ्रा आर्चर अगर इंग्लैंड पहले गेंदबाजी करता है तो जोफ्रा आर्चर कैप्टन के प्रबल दावेदार है, अगर इंग्लैंड बाद में गेंदबाजी करता है तो जोफ्रा आर्चर टीम में रह सकते हैं, एक से दो विकेट निकाल सकते हैं। इम्पोर्ट्स आपके टीम में डाउटफुल प्लेयर के रूप में रहेंगे, आदिल रशीद हमारे टीम में जगह बनाते हुए नहीं दिख रहे। अगर ओली स्टोन पिछले मैच में खेले थे, अगर ओली स्टोन खेलते हैं तो आप उनको अपनी टीम में रख सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो मैथ्यू शॉट के साथ टी हेड ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करती है तो ये दोनों में से सिर्फ एक रहेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया बाद में बल्लेबाजी करती है तो आपको ये दोनों प्लेयर रहेंगे, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिचेल मार्श थोड़ा डाउटफुल प्लेयर है, पिछले मैच में अच्छा खासा योगदान दिया था लेकिन हमारे टीम में ये जगह बनाते हुए नहीं रह रहे। स्टीवन स्मिथ हमारे टीम में जगह बना रहे हैं, लबुशेन भी हमारे टीम में डाउटफुल है, एलेस करी हमारे टीम में जगह बनाते हुए, मैक्सवेल नो डाउट, मैक्सवेल वनडे क्रिकेट में मैं अपने प्रत्येक टीम में उनको दो से तीन टीम में कैप्टन बनाता हूँ क्योंकि ये जो ऐसे प्लेयर है ना कभी भी चलते हैं तो बहुत लंबा खेलते हैं। और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इंग्लैंड के पिच पे थोड़ा कम चल रहे हैं तो आप डाउटफुल प्लेयर में रख सकते हैं। मिचेल स्टार्क प्रत्येक मैच में आपकी टीम में जगह बनाते हुए हैं, जो हेजलवुड है, एडम जंपा डाउटफुल प्लेयर क्योंकि ऐसा पिच है जहां आपको स्पिनर की भूमिका मिलती हुई नज़र नहीं आती है, लेकिन एडम जैसा एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी पिच पे आपको विकेट दे कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया टीम को अपनी टीम में बनाए हुए रखते हैं। इनको जब भी बॉलिंग कीजिए या तो आप पावर प्ले में, मिडिल ओवर में, लास्ट में, ये सब जगह जाकर बॉलिंग करते हैं और विकेट निकालने का कोशिश करते हैं और इसके कारण ही ऑस्ट्रेलिया जो है मजबूत स्थिति में रहती है, हमेशा देखा जा गया है। फिर कैमरून गिन और सिर आउट पिछले मैच में खेले थे, इस मैच में मेरे ख्याल से दोनों को अगर ड्रॉप किया जाता है तो कोई गलती नहीं होगा। अगर ये दोनों खेलते हैं फिर भी आप दोनों को टीम में से आप किसी को भी टीम में नहीं रख सकते हैं ड्रीम टीम में। अब हम लोग का बात करते हैं ड्रीम टीम क्योंकि हम लोग का तो जो है प्लेइंग इलेवन जो बनाना है ड्रीम टीम का उसी पर हम लोग को चलना है, तो सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाले प्लेयर को ही रखना है। और ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करता है तो आपको दोनों प्लेयर रहेंगे मिचेल स्टार्क और जेस हेजलवुड, ऑस्ट्रेलिया बाद में गेंदबाजी करता है तो मिचेल स्टार्क के साथ जाएंगे। तो नंबर वन प्लेयर आपके कौन से हो जाएंगे, नंबर वन प्लेयर जोफ्रा आर्चर प्रत्येक टीम के सदस्य रहेंगे, जोफ्रा आर्चर, दूसरा मिचेल स्टार्क, तीसरा में
जोस हैजलवुड, ये तीन प्लेयर हो गए आपको बॉलर के डिपार्टमेंट से। चौथे प्लेयर देखिएगा ग्लेन मैक्सवेल। हमारे टीम में ग्लेन मैक्सवेल प्रत्येक टीम में जगह बनाते हुए नजर आते हैं और ये कैप्टन के प्रबल दाव रहते हैं 102 टीम में। चौथे प्लेयर। पांचवे प्लेयर हैरी ब्रुक, इंग्लैंड के कैप्टन। पिछले मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी किया था नो डाउट, जिसके कारण से इंग्लैंड जीता था। छठे प्लेयर आपको जो है इधर से आते हैं तो आप स्टीवन स्मिथ। वनडे का मुकाबला हो और स्मिथ कैप्टन ना रहे, टीम में जगह ना बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। और स्टीवन स्मिथ भी कैप्टन, हैरी ब्रुक भी आपको कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि वनडे मुकाबला है, बल्लेबाज जो है एक बल्लेबाज लंबा खेलता है, जिसके कारण से आपको ये ड्रीम टीम के सदस्य रहेंगे। एलेक्स कैरी, बहुत लोग एलेक्स कैरी को कैप्टन नहीं बनाएंगे, लेकिन आप अपने टीम में कैप्टन बनाइएगा। सातवें प्लेयर, क्योंकि ये निचले क्रम में बल्लेबाज बहुत ही हिट मारते हैं, इनको अपने टीम में जरूर रखिएगा। आठवें प्लेयर में आते हैं तो आठवें प्लेयर में देखिए जे बैथल हमारे टीम में जगह बनाते हुए दिख रहे हैं, जे बैथल। नौवें प्लेयर में मैं पहले बोला था ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉर्ट्स, दोनों में से किसी एक के साथ जाइएगा। अगर ट्रेविस हेड खेलते हैं तो ट्रेविस हेड के साथ जाना है, अगर नहीं खेलते हैं तो मैथ्यू शॉर्ट्स के साथ जाना है, मैथ्यू शॉर्ट्स के साथ जाना है। अगर खेलते हैं दोनों तो सिर्फ ट्रेविस हेड के साथ जाना है। दसवां प्लेयर, अगर इंग्लैंड बाद में बल्लेबाजी करता है तो आपको दोनों में से पिशार्ट बेन डकैत में से एक को रखना है, पिशार्ट या बी डकैत। अगर ये इंग्लैंड बाद में बल्लेबाजी करता है तो, अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो ये दोनों का प्लेयर आप प्लेइंग इलेवन में नहीं जगह बनता है, तो आपको विल जैक्स का प्लेइंग इलेवन बनता है। एक ग्राहम प्लेयर, एक ग्राहम प्लेयर एक ऐसा प्लेयर जो है जैसे कि आपको मिचेल मार्श डाउटफुल प्लेयर में है, मिचेल मार्श क्योंकि तो बॉलिंग भी करके विकेट निकाल सकते हैं, या आपको जगह लाइम लिविंग स्टोन। अब रीज़न क्या है ये दोनों का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मिचेल मार्श में ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करता है तो मिचेल मार्श को नहीं रखना है, लाइम लिविंग स्टोन को रखता है। अगर ऑस्ट्रेलिया बाद में बल्लेबाजी करता है तो मिचेल मार्श को रखना है। इस तरह से बनाकर जो है आप ये प्लेइंग इलेवन बनाकर जो है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में चौथे ओडीआई मुकाबला है उसमें आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग जीत सकते हैं। बैटिंग पिच है, लॉर्ड्स का मैदान है, तो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज को आप रख सकते हैं और जो बाल पहले गेंदबाजी करेगा उस टीम के बॉलर को आप कैप्टन बना सकते हैं। मान लिया कि अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के गेंदबाजी करता है तो मिचेल स्टार्क आपके कैप्टन बनेंगे। वाइस कैप्टन में आप स्टीवन स्मिथ के साथ जा सकते हैं, कैरिस के साथ जा सकते हैं, ट्रेविस हेड के साथ जा सकते हैं अगर ट्रेविस हेड खेलते हैं तो। दूसरा, अगर इंग्लैंड पहले गेंदबाजी करता है तो जोफ्रा आर्चर कैप्टन एक दो टीम में बना लीजिएगा, उसके साथ हैरी ब्रुक को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, उसके साथ आप जे बेथल को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। इस तरह से कॉम्बिनेशन करके जो है आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग ऑस्ट्रेलिया और